हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल स्टूडेंट्स बी सब्जेक्ट के बॉयलर चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और आज का टॉपिक है कोचरान बॉयलर उसके प्रोनाउंसिएशन कई लोग कोकरान बॉयलर भी करते हैं तो कोकरान या कोचरान द मीनिंग इज सेम सो आई विल स्पीक एज ए कोक्रान बॉयलर तो कोकरान बॉयलर की आज बात करते हैं टॉपिक में कई बार एक क्वेश्चन आप पुराने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो पूछा गया है वेट इज होता है सात मार्क्स और जब ही क्वेश्चन सात मार्क्स के वेटेज में है तो सबसे पहले आपको फिगर दिखानी होगी मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ करके दिखाई आपको अगर आप दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो ये फिगर है कोकरान बॉयलर की उसके अः फिजिकल स्ट्रक्चर से आपको दिखता है कि वर्टिकल बॉयलर है क्योंकि एक्सिस इज वर्टिकल ये वर्टिकल बॉयलर है ऊपर डॉम शेप का ये जो है शेल है सिलेंड्रिकल शेप जो है वो शेल है और शेल जो है उसके ऊपर अलग अलग माउंटिंग्स फिट किए गए हैं नीचे जो है वो प्रोविजन है फर्नेस की एश पिट भी है और फर्नेस से यहाँ से एक गैसिस और एक स्मोक बॉक्स दिया है तो ये फिगर सबसे पहले दिखानी होगी और फिगर दिखाने के बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे तो आइए चलते हैं शुरू करते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी है उसके प्लस पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सबकी बात करते हैं तो मैंने फिगर साइड में रखी है और वन बाय वन एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला पॉइंट कोकरान बॉयलर के लिए एक कोकरान बॉयलर और मैंने यहाँ माइंड मैपिंग किया है तो आप ही इजीली याद रख सकते हैं माइंड मैपिंग के जरिए स्टडी टेक्निक की एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है माइंड मैपिंग में सबसे पहला मैंने टॉपिक दिया है कि किस प्रकार का बॉयलर है कॉकरान बॉयलर तो कोकरान बॉयलर का पहला पॉइंट है इट इज अ वर्टिकल बॉयलर किस टाइप का है क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो इट इज अ वर्टिकल बॉयलर मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर एक से ज्यादा ट्यूब आप देखें यहां तो ट्यूब्स मैंने दिखाई है एक से ज्यादा है फायर ट्यूब ट्यूब बॉयलर मींस के अंदर हॉट गैसेस पास हो रहे हैं एंड इट इज अ स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है ज्यादा स्टीम हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते सो इट इज अ स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर तो ये सब स्पेसिफिकेशंस हो गए बॉयलर के लिए

और जो प्रेशर जनरेट होता है ये बॉयलर में वो लेस देन ट्वेंटी बार है ट्वेंटी बार से ऊपर का प्रेशर डेवलप करने की इस बॉयलर की कैपेसिटी नहीं है सो इट जनरेट द प्रेशर लेस देन ट्वेंटी बार कोकर बॉयलर की बात है अभी बात करेंगे फिगर के हेल्प से कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की तो आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग में दो तीन पॉइंट्स दिखा सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग में सभी की अरेंजमेंट आप दिखा, दिखा सकते हैं फर्नेस कहाँ है ये ब्रिक्स दी है ऊपर का स्टीम का जो स्पेस है यहाँ स्मोक बॉक्स दिया है और ये पानी वाला एरिया है बीच में फायर ट्यूब्स है तो कितनी फायर ट्यूब्स होती है नॉर्मली इट हैज 160 टू 170 फायर ट्यूब्स फायर ट्यूब्स जो है एक से ज्यादा एक्चुअली ये बॉयलर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है सिंपल वर्टिकल बॉयलर का सिंपल वर्टिकल बॉयलर में सिंगल एक ही ट्यूब होती है यहाँ एक से ज्यादा ट्यूब्स होती है तो 160 से लेके 170 तक फायर ट्यूब्स होती है यहाँ ये हॉरिजेंटल फायर ट्यूब्स है अरेंजमेंट हॉरिजेंटल की है और इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 6.25 सेंटीमीटर जितना होता है एक फायर ट्यूब का डायमीटर जो है वो 6.25 सेंटीमीटर का होता है आप देखें तो यहाँ मैंने फायर ट्यूब्स दिखाई है फायर ट्यूब्स ये जो है एक से ज्यादा उसका एक साइड कनेक्शन होता है फर्नेस के साथ और दूसरी साइड ज्वाइनिंग होता है स्मोक बॉक्स के साथ तो फर्नेस के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड वो स्मोक बॉक्स से जुड़ा हुआ तो ये एंट्री है और ये एग्जिट है यहां कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अलग अलग प्रोविजन दी है फायर डोर दिया है आप देखें तो यहाँ फायर डोर दिया है जहां से हम ये ये फायर डोर है जहां से हम कॉल सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फ्यूअल में हम कॉल बंद कर दें तो कॉल वर्निंग के लिए फ्यूल की सप्लाई जो कॉल है वो कॉल यहाँ से सप्लाई करते हैं वैसे मैन होल दिया है पहले भी हम बात कर चुके हैं मैन होल है वो फॉर क्लिनिंग वर्कमैन या ऑपरेटर अंदर जाके क्लीनिंग इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस कर सकता है स्मोक बॉक्स दिया है ये प्रोविजन है स्मोक बॉक्स से, जहां से हम एग्जॉस्ट गैसेस चिमनी के जरिए बाहर फेंकते हैं एटमोसफियर में और डिफरेंट प्रकार के माउंटिंग्स अलग अलग प्रकार के माउंटिंग्स वो शैल पर फिट किए गए हैं माउंटिंग्स कौन से हैं तो प्रेशर गेज है फिर स्टीम स्टॉप वाल है फिर वाटर लेवल इंडिकेटर है डेड वेट प्रेशर मींस वाल दिया है ये सभी बॉयलर माउंटिंग्स है बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में या आने वाले टॉपिक से हम डिस्कशन डिटेल में बात करेंगे लेकिन सभी प्रकार के माउंटिंग्स यहाँ फिट किए गए हैं वाटर लेवल इंडिकेटर है प्रेशर गेज है स्टीम स्टॉप वाल है फ्यूजिबल प्लग है, है ये सभी ब्लॉफ कॉक है ये सभी माउंटिंग्स यहाँ पर फिट किए गए हैं अभी बात करते हैं ये बॉयलर के प्लस पॉइंट कौन से हैं, पॉजिटिव साइड्स कितनी है तो एडवांटेजेस की बात करेंगे सबसे पहला एडवांटेज है इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉयलर है और इसके लिए उसको इंस्टॉलेशन के लिए बहुत कम फ्लोर एरिया चाहिए लेस फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड तो ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री में तो ये कॉम्पैक्ट है इनिशियल कॉस्ट इज वेरी लेस इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम है और एनी टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी यूज कोई भी प्रकार का फ्यूल आप यहां यूज कर सकते हैं ए मीन्स फ्लेक्सीबिलिटी सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल या अलग अलग प्रकार के जो फ्यूल है कोई भी फ्यूल जो भी आपको सस्ता हो वो फ्यूल इस बॉयलर में हम यूज कर सकते हैं डिसएडवांटेजेस तो डिसएडवांटेजेस तो में सबसे पहला है, लौ, मिस, लौ एफिसेंसी। एफिसेंसी बहुत है इस बॉयलर की दूसरा है इंटीरियर्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग मेंटेनेंस पर्पस इंटीरियर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वर्टिकल बॉयलर है तो ऑपरेटर को अंदर जाने के लिए भी दिक्कत है आ, अगर जो बॉयलर ऑपरेटर या वर्कमैन है तो उनको क्लीनिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट साइट है वर्टिकल बॉयलर होने की वजह से तो इंटीरियर्स इतना एक्सेसिबल नहीं है और एक ड्रॉबैक है स्टीम स्पेस इज लेस यहाँ अगर आप स्टीम स्पेस की बात करें तो स्टीम स्पेस बहुत कम दिया है और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्टीम के साथ साथ वाटर पार्टिकल्स भी स्टीम पाइप में घुस जाते हैं एंट्री हो जाती है और उसकी वजह से जो हमें क्वालिटी जो मिलती है क्वालिटी ऑफ स्टीम वो पुअर है इतनी हाई स्ट्रेंथ वाली स्टीम हमें नहीं मिलती है वाटर पार्टिकल्स मिक्स होने की वजह से वेट स्टीम हो जाती है और पुअर क्वालिटी ऑफ स्टीम वी कैन गेट तो ये नेगेटिव uh, साइड्स है डिसएडवांटेजेस है तो इस तरह से कोकरान बॉयलर का एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं पहले फिगर ड्रॉ कर दीजिए कोकरान बॉयलर के बारे में इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस नोट कर दीजिए कंस्ट्रक्शन दिखा दीजिए फिर वर्किंग की वर्किंग में बात हुई तो वर्किंग हम कैसे दिखा सकते हैं कि वर्किंग में यहाँ से हम फ्यूल सप्लाई करते हैं देखिए ये फायर से हम कोल सप्लाई करेंगे तो कोल यहाँ आएगा ये फर्नेस एरिया है तो कोल बर्निंग होता है बर्निंग की वजह से जो हॉट गैसेस जनरेट हुए वो हॉट गैसेस गैसेजीम ये जो फायर ट्यूब्स है वो फायर ट्यूब में पास होते हैं देखिए और फायर ट्यूब के आसपास पानी है तो वाटर गेट सीटेड फायर ट्यूब का कांटेक्ट वाटर के साथ है तो वाटर गेट्स हीटेड तो वाटर विल बी कनवर्टेड इनटू स्टीम तो स्टीम एरिया ये है जैसे स्टीम लाइटर हुई तो ऊपर चली जाएगी और यहाँ स्टीम पाइप से आप स्टीम को यहाँ स्टीम स्टॉप वाल से कलेक्ट कर सकते हैं और सप्लाई दे सकते हैं रहा सवाल एग्जॉस्ट गैसेस का जो हॉट गैसेस है वो अपनी हीट देके यहां से निकल जाएंगे तो इस बॉक एरिया है स्मोक एरिया से हॉट गैसेस चिमनी के मार्फत एटमोस्फेयर में बाहर फेंकते हैं तो ये उसका वर्किंग वाला पार्ट हुआ फर्नेस नीचे दी है और फर्नेस में बर्निंग होने के बाद जो कोल का जो डस्ट और जो ऐश है ऐश पीट में कलेक्ट करते हैं नीचे और जो मड़ या इम्प्योरिटीज ऑफ दी वाटर है वो यहां से हम कलेक्ट करते हैं मड़ ये जो ब्लॉक कॉक दिया है वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं तो ये कंप्लीट वर्किंग है नीचे से फर्निश से लेके हॉट गैसेस हॉट गैसेस से हीट का सप्लाई पानी को पानी का कन्वर्जन हुआ स्टीम में स्टीम सप्लाई स्टीम से और एग्जॉस्ट गैसेस है वो चिमनी से हम बाहर फेंकते हैं तो ये वर्किंग वाला पार्ट हुआ और बाद में आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं तो मुझे लगता है सभी जो साइट से कॉकरन कौकर, बॉयलर की उसका मैंने डिस्कशन यहाँ कर दिया है कोई डाउट है क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखना नेक्स्ट टॉपिक में कोई और नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके हम बात करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच